आईपीएल 2024 के 19वें मुकाबले में दुनिया ने एक नहीं बल्कि दो दो शतक देखे। एक शतक से टीम को हार मिली तो वही दूसरे शतक ने टीम की किस्मत चमकाई और जीत का चौका टीम के लिए भी लगाया। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबले में पहले विराट कोहली ने शतक जड़ा और उसके बाद जॉस द बॉस यानी कि जॉस बटलर ने भी अपने बल्ले का आतंक मचाया और शानदार शतक के साथ अपनी टीम को जीत दिलाई। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि शतक और रन उसी के अच्छे जो अपनी टीम को जीत दिलाए। हालांकि विराट कोहली के साथ फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। विराट कोहली की पारी धीमी थी, कुछ लोग ये मान चुके हैं, कुछ कमेंट्रेटर्स, कुछ दिग्गज ये मान चुके हैं, लेकिन कुछ फैंस ऐसे हैं जो ये बात मानने को तैयार नहीं है। आज मैं अंकन आपको कुछ आंकड़ों के साथ ये बताना चाहता हूं कि विराट कोहली की ये पारी कितनी खराब थी। विराट कोहली की ये पारी आज नहीं बल्कि कई सालों से वो ऐसी ही पारियां खेल रहे हैं और आरसीबी लगातार हार रही है। आरसीबी ने 16 साल से आईपीएल का खिताब नहीं जीता, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इस टीम में तो हर कुछ बदल गया, इस टीम का कप्तान भी बदल गया, बैटिंग लाइनअप बदल गई, बॉलिंग लाइनअप बदल गई, यहां तक कि इस टीम का पूरा सपोर्ट स्टाफ भी नहीं बदला, लेकिन जो नहीं बदला वो था विराट कोहली और टीम का नतीजा, यानी कि टीम चैंपियनशिप नहीं जीत पा रही है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में विराट कोहली की पारी कैसे धीमी थी अब आपको वो समझाते हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दो शतक लगे, पहला शतक विराट ने लगाया तो दूसरा जॉस बटलर ने लगाया। विराट कोहली ने 67 गेंदों पर अपना शतक जड़ा, जबकि जॉस बटलर ने 58 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लिया। एक ही पिच की बात है, जिस पिच पर विराट ने बल्लेबाजी की उसी पिच पर जॉस बटलर ने भी बल्लेबाजी की। फाफ ड्यूप्लेसिस ने मुकाबले के बाद ये जरूर कहा कि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान था। यहीं पर अगर आप देखें तो जॉस बटलर ने अपनी 50 रन 30 गेंदों में पूरे किए जब उनकी टीम के 9 विकेट बचे हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप विराट कोहली को देखें तो उन्होंने 50 रन 39 गेंदों में पूरा किया जब उनकी टीम के 10 के 10 विकेट हाथ में थे यानी कि बचे हुए थे। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी कई आंकड़े हैं जो ये गवाही देते हैं कि विराट कोहली सिर्फ आज नहीं बल्कि इससे पहले भी रन तो बना रहे हैं लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पा रहे हैं। अगर विराट कोहली की आखिरी 3 सेंचुरी और उसी मुकाबले में अपोनेंट टीम यानी कि उनकी विरोधी टीम के टॉप परफॉर्मर्स को देखेंगे तो इस यहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर बात करें तो कोहली ने 63 गेंदों पर 100 रन बनाए तो वहीं क्लासन ने 51 गेंदों पर 104 रन बनाए। विराट कोहली ने जब 61 गेंदों पर 100 रन गुजरात के खिलाफ बनाए तो उस मुकाबले में शुभमन गिल ने सिर्फ 52 गेंदों पर ही 104 रन की पारी खेली। विराट कोहली ने आईपीएल 2024 में जब राजस्थान के खिलाफ 72 गेंदों पर 113 रन बनाए तो बटलर ने 58 गेंदों पर 100 रन की नाबाद पारी खेली। ये तो सिर्फ 3 अपोनेंट टीम और विराट कोहली के पिछले 3 शतक की गवाही थी जहां पर पिच अच्छा था, विराट ने रन बनाए लेकिन उनके रन इतने धीमे थे कि उनके अपोजिशन टीम के बल्लेबाजों ने उनसे ज्यादा तेज शतक बनाए। सिर्फ ये नहीं, आरसीबी के अगर बल्लेबाजों की बात करें तो आईपीएल में आरसीबी के बल्लेबाजों ने कुल 18 शतक बनाए हैं जो कि सभी टीमों में सबसे ज्यादा है। लेकिन इन 18 शतकों में 3 बार बल्लेबाजों ने ऐसे शतक लगाए जहां पर आरसीबी की हार हुई और ये तीनों ही शतक किसी और के नहीं बल्कि विराट कोहली के थे। विराट कोहली के आईपीएल में 8 शतक हैं लेकिन 3 शतक उनके टीम की हार में आए हैं, यानी कि ये बात साफ है कि विराट कोहली के रन टीम के किसी फायदे के नहीं। फाफ ड्यूप्लेसिस ने राजस्थान के खिलाफ मुकाबले के बाद भी यही कहा कि डेथ ओवर्स में रनों की गति बढ़ाई जा सकती थी, 190 से 195 रन बनाए जा सकते थे लेकिन वहां पर विराट कोहली ने तेजी से रन नहीं बनाए। हालांकि विराट कोहली को किसी दूसरे बल्लेबाज का साथ भी नहीं मिला और आरसीबी को एक और शिकस्त मिली। आईपीएल 2024 में विराट कोहली की टीम यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 4 मुकाबले हार चुकी है और पॉइंट्स टेबल में भी इसकी स्थिति बहुत खराब है और अगर ऐसा ही प्रदर्शन और यही खेल जारी रहा तो आरसीबी बहुत जल्द ही प्लेऑफ की रेस से भी बाहर हो जाएगी। आपको क्या लगता है,
जॉस बटलर और विराट कोहली के शतक में किसका शतक ज्यादा बेहतर था? जॉस बटलर के शतक से टीम को जीत मिली और विराट के शतक से टीम को हार मिली, लेकिन क्या आरसीबी की हार में विराट का शतक जिम्मेदार है या दूसरे बल्लेबाजों का फेलियर? ये कमेंट करके हमें इस वीडियो में जरूर बताएं।